हिंदुस्तान में भोलेनाथ का हर कोई दीवाना है। यहाँ देवों के देव महादेव ने अपनी लीला से अपने भक्तों को रिझा कर रखा है। भोलेनाथ बहुत ही सच्चे देवता के रूप में पूजे जाते हैं। कहा जाता है भोलेनाथ अपने भक्तों को मनचाहा फल भी देते हैं। महाकाल को यहाँ अनेकों नाम से पुकारा जाता है, साथ ही माँ पार्वती का भी सच्चे मन से यहाँ दीदार होता है। ऐसा माना जाता है जो भी व्यक्ति या मनुष्य या कोई भी लोग भगवान भोलेनाथ के साथ माँ पार्वती का आशीर्वाद लेते हैं तो उनको बहुत ज्यादा लाभ होता है और माँ पार्वती उनको हमेशा हमेशा के लिए माला माल कर देती हैं और कोई कमी नहीं रहती है। ज्योतिष के ज्ञाता बता रहे हैं कि ग्रहों की चाल के कारण ऐसे संयोग बन रहे हैं जिसमें भगवान भोलेनाथ के साथ साथ माँ पार्वती भी इन तीन राशियों पर अपनी कृपा बरसा रही हैं। अब दोनों मिलकर इस राशि का उद्धार करने वाले हैं। कोई भी बड़ी खुशखबरी इनको मिल सकती है, आपको बड़ा आर्थिक लाभ भी हो सकता है, अपना सच्चा प्यार भी आप आसानी के साथ पा सकते हैं। वहीं शैक्षिक कार्यों के सुखद परिणाम मिलेंगे, आपको व्यापार से लाभ हो सकते हैं। वहीं खास तौर पर आपको प्यार के मामले में अपार सफलता भी हासिल होगी जिससे आपका मन काफी ज्यादा प्रसन्न होगा और आप अपने जीवन में खुश होते हुए नजर आएंगे। जो लोग व्यापार करते हैं उनको व्यापार में आर्थिक स्थिति उनकी सुधरती हुई नजर आएगी। कोई नया काम करने की भी अगर आप काफी लंबे समय से सोच रहे हैं तो भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती का आशीर्वाद आपके साथ है। इस समय आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की होती हुई दिखेगी और आप अपने जीवन का हर लम्हा आसानी के साथ जीते हुए नजर आएंगे। तो आइए नजर डालते हैं, जानते हैं आखिर कौन सी है वो तीन राशियां। वो तीन राशियां हैं मकर, कर्क और धनु राशि। नेक्स्ट 9 स्पिरिचुअल से आकाश की रिपोर्ट।